हेलो स्टूडेंट्स, तो आप लोगों ने अभी तक फिजिकल क्वांटिटी देखे, उसके डायमेंशंस कैसे फाइंड आउट करना है वो देखा। तो नेक्स्ट अवर टॉपिक इज प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है ये आज के लेक्चर में हम देखने वाले। लेकिन बच्चों, इसके पहले आप लोगों को डायमेंशंस लर्न होने चाहिए, एटलीस्ट बेसिक जो टर्म्स रहता है उनके तो भी डायमेंशंस आपको लर्न होना चाहिए। अगर आपको आपने लर्न नहीं किया है तो आप लोग प्रीवियस लेक्चर हमारा देखिए, उसमें हमने डायमेंशंस दिए हुए हैं और फिजिकल क्वांटिटीज की लिस्ट बनाई है, लिस्ट भी हम आपको प्रोवाइड कर देंगे। और वो लिस्ट के डायमेंशन जब आपके लर्न हो जाएंगे तब आप इसको बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो देखिए, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशंस क्या होता है देखिए। सो इसका स्टेटमेंट है कि वी कैन एड और सबस्ट्रैक्ट, वी कैन एड और सबस्ट्रैक्ट द सेम डायमेंशन, द फिजिकल क्वांटिटीज, द फिजिकल क्वांटिटीज which have same dimension, which have same dimension, okay? क्या है? We can add or subtract the physical quantity which have same dimension. यानी उसका dimension क्या रहना चाहिए? Same अगर रहता है, then we can add or subtract the that physical quantity. Or we can say that In the equation, each term has same dimension. So, आप ये ध्यान में रखो या फिर ये ध्यान में रखो, one and the same thing. तो इसका meaning क्या होता है? देखो बच्चों, कि मैं अगर बोलती हूँ कि 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन फोर्स है, उसमें मेरे को अगर 4 न्यूटन ही देते हैं आप, तो हम ऐड कर सकते हैं। यानी उसका यूनिट क्या रहना चाहिए? यूनिट डायमेंशन सेम थिंग, यूनिट क्या रहेगा? सेम रहेगा, तब जाके 8 न्यूटन आएगा। अगर मैं बोलू आपको 4 न्यूटन के साथ आप 2 एम्पियर करंट ऐड करो, आप लोग कर सकते हो क्या? इज इट पॉसिबल 4 न्यूटन के साथ 2 एम्पियर करंट हम ऐड कर सकते हैं क्या? नहीं, दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर मैं बोलूं आपको कि 2 केजी के साथ 5 लीटर ऐड कर सकते हो क्या? दिस इज पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकता है। इसका डायमेंशन अलग है, इसका डायमेंशन अलग है, हो सकता है ये? नहीं हो सकता, ये हम ऐड नहीं कर सकते। That means we can add or subtract the physical quantities which have the same dimension, and that is nothing but the principle of homogeneity of dimension. ये क्या है? Principle of homogeneity of dimension. ये जो है, this is what the equation only the statement, and ये statement का आपको इतनी ज्यादा जरूरत नहीं है, लेकिन इसका हम use हमारे numericals में करने वाले हैं। और बेसिकली बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल्स हमारे नीट एग्जाम में इसके आते हैं। सो क्या बात ध्यान में रखनी है कि अगर हम कोई टर्म का, यानी कोई टर्म है या फिर कोई इक्वेशन है, तो ईच एंड एवरी टर्म, ये जो टर्म्स हम ऐड कर रहे हैं या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं, इनका डायमेंशन क्या होना चाहिए? सेम आना चाहिए, तो भी जाकर हम उसको ऐड कर सकते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ओके, सो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। इसके हम फॉर्मूले, इसके डायमेंशंस अभी हम सॉल्व करेंगे। पहला एग्जांपल लेते हैं हम। फाइंड द डायमेंशन ऑफ फर्स्ट स्मॉल ए एंड बी इन इक्वेशन v is equals to a plus bt, okay, provided that v is the velocity
and t is the time. V is the velocity and t is the time. So क्या निकालना है आपको? Dimension of A निकालना है and dimension of B निकालना है. Okay? ध्यान दीजिएगा हमारी तरफ. आपको equation क्या given है? V is equals to A plus BT. क्या given है? V is equals to A plus BT. Okay? So ये वाला equation हमारे equation के format में ले लीजिए. V minus A minus BT is equals to क्या आएगा? Zero. अब according to principle of homogeneity क्या बोला था मैंने कि ये टर्म का डायमेंशन, ये टर्म का डायमेंशन, ये टर्म का डायमेंशन, ये क्या हो गई? ईच टर्म हो गया. यानी डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ दिस ए इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी इनटू टी. ओनली बी नहीं लेना है, ये एक पूरी टर्म है. दैट मीन्स बी टी दोनों भी आपको लेना पड़ेगा. ओके, अब आपको डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी पता होगी. वेलोसिटी का डायमेंशन That is meter per second. So dimension of velocity, velocity का dimension जिसको learn हो उन्होंने directly लेना है. अगर नहीं पता हो तो meter per second से हम क्या निकल सकते हैं उसका dimension. That is meter यानी L और second यानी T. So velocity का dimension क्या आएगा? L T minus one. Okay, this is what the dimension of velocity. Is equals to ये हमारी dimension लिखने की method है. Square box में इसको लिखना है. Is equals to dimension of A. यानि A का dimension आपको automatically मिल गया. आपको A का ही dimension find out करना था. That is A का dimension is equals to L T minus one. इसको अच्छे से लिख लेते हैं हम. M की term absent है. M zero L one T minus one. This is the dimension of A. अब आपको dimension of B निकालना है. तो इसको इसके साथ compare कीजिए. देखिए हम यहाँ पर पार्ट बना रहे हैं. डायमेंशन ऑफ वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डायमेंशन ऑफ बी टी. ओके, सो वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है यहाँ पर? एम जीरो एल वन टी माइनस वन. और डायमेंशन ऑफ बी टी हम लिख लेते हैं. तो बी का तो डायमेंशन पता नहीं और टी का डायमेंशन है टी. टी को इधर शिफ्ट कर दीजिए. एम जीरो एल वन टी माइनस वन अपॉन टी. ये टी नीचे है, ऊपर चले गए तो क्या आएगा? m0 l1 t minus 1 और ये minus 1 यानी minus 2. तो b का dimension क्या मिल गया बच्चों आपको? m0 l1 t minus 2. So how we can find the dimension of small a and dimension of small b? बहुत ज़्यादा interesting है, बहुत ज़्यादा easy है बच्चों. कोई भी इसमें dimension है या physical quantities, अगर आपको उसकी values और dimensions पता है तो आप उनसे भी टर्म का डायमेंशन फाइंड आउट कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ इक्वेशन ऑफ होमोजेनिटी ऑफ डायमेंशन. ओके, सो दिस इज अ फर्स्ट एग्जांपल. अनदर एक आधा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं हम. फाइंड द डायमेंशन ऑफ कैपिटल ए बी सी डी ई इन इक्वेशन ऑफ इक्वेशन. देखिए कौन सा रहेगा आपका? ए प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन. इसमें आपको ए बी सी डी ई दीज आर द कॉन्स्टेंट टर्म्स है एंड इट इज इक्वल्स टू it is equals to displacement x. So a plus bt plus ct square plus dt cube upon e plus t is equals to क्या है? x आपको given है. Okay? So यहाँ पर provide किया हुआ है कि x is what? x is the displacement. x क्या है यहाँ पर? x is the displacement. तो according to homogeneity principle क्या है? Each and every term का dimension क्या रहेगा? Same. So x minus a इसको इधर ले चलते हैं या फिर इसको इधर लाते हैं. a plus bt plus ct square plus dt cube upon e plus t minus of x is equals to zero. तो dimension of each term same रहेगा. That means
A का डायमेंशन इज इक्वल टू बी टी का डायमेंशन इज इक्वल टू सी टी स्क्वायर का डायमेंशन इज इक्वल टू डी टी क्यूब अपॉन ई प्लस टी का डायमेंशन और इज इक्वल टू एक्स का डायमेंशन. तो इसमें से आपको फिलहाल में क्या पता है, एक्स डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट है यानी लेंथ है. तो आपको डायरेक्टली ए का डायमेंशन क्या पता चल गया, ए का डायमेंशन इज इक्वल टू एक्स का डायमेंशन. x यानी l length, so is equals to m0 l1 t0. ये हो गया a का dimension. Get it? Second term, bt is equals to a या फिर x ले सकते हैं आप. bt is equals to x का dimension, so b is equals to l upon ये t चले जाएगा और ऊपर रहेगा तो m0 l1 t minus 1. This is the dimension of b. बहुत easy है बच्चों. एक एक term को हमको इसके साथ compare करना है और उसका answer निकालना है. तो ये हो गया b का dimension. आप c का निकालिए, चलो pause करके निकालिए. c t square का dimension is equals to x का dimension. So x का dimension वापस l और यहाँ पर c t square, तो c is equals to m0 l1 t minus 2. This is what c का dimension. अब यहां पर देखिए, यहां पर देखिए d t cube upon e plus t is equals to x का dimension. अब यहां पर multiplication नहीं है, this is the addition. और यहां पर क्लियरली मैंने क्या बोला था, उसी टर्म को हम एड और सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जिनका डायमेंशन क्या रहता हो, सेम रहता हो. तो क्लियरली ई का डायमेंशन इज इक्वल टू क्या मिलते हैं आपको, ई का डायमेंशन इज इक्वल टू व्हाट, टी का डायमेंशन. यानी ई इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ई इज इक्वल टू एम जीरो एल जीरो टी वन. दिस इज द डायमेंशन ऑफ ई. अब रहा सिर्फ डी. अब डी का डायमेंशन कैसे निकालना है, देखो अब वन एंड द सेम थिंग. e का डायमेंशन ले इज इक्वल्स टू x का डायमेंशन या फिर dt क्यूब अपॉन t अभी लिखते हैं तो भी सेम, क्योंकि ये e और ये t दोनों का डायमेंशन क्या है, सेम है. तो हम इसको कंपेयर करते हैं, dt क्यूब अपॉन e या फिर हम इधर वाली टर्म ले लेते हैं अपॉन t इज इक्वल्स टू x, x यानी l. उसको इधर शिफ्ट कर देते हैं, एक टी के साथ कैंसिल, टी स्क्वायर बाकी है और एल इधर चले जाएगा टी माइनस टू. यानी डी का डायमेंशन क्या आया, एम जीरो एल वन टी माइनस टू. ओके, देखिए ए का डायमेंशन मिल गया, बी का डायमेंशन मिला, सी का, डी का और ई का. यानी हम विद द हेल्प ऑफ होमोजेनिटी वी कैन फाइंड आउट डायमेंशन ऑफ एनी टर्म इन गिवन इक्वेशन. ओके, अगर आप लोगों को इक्वेशन सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग इसकी प्रैक्टिस बहुत बार कीजिएगा तो आपको बहुत आसानी से ये सॉल्व करते आएंगे. ओके, सो नेक्स्ट प्रॉब्लम, फाइंड द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी इन पी इज इक्वल टू ए माइनस टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स. ओके, दिस विल बी द इक्वेशन. तो अकॉर्डिंग टू यहां पर गिवन है आपको कि where p is the pressure, x is the displacement and t is the time. ये terms आपको यहाँ पर given रहेंगी. तो यहाँ पर single single quantity के dimension नहीं निकालना है आपको, a by b निकालना है. तो वापिस dimension of p minus a minus t square upon bx is equals to zero. यानी ये वाली टर्म का डायमेंशन इज इक्वल टू ये वाली टर्म का डायमेंशन आएगा. सो डायमेंशन ऑफ p इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ a माइनस t स्क्वायर अपॉन bx. ओके, सो यहाँ पर दिख रहा है आपको, हमने क्या बोला था कि हम ऐसे ही टर्म का एडिशन और सब्सट्रैक्शन कर सकते हैं जिनका डायमेंशन सेम हो. तो यहाँ पर दिख रहा है a माइनस t स्क्वायर, यानी डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू क्या रहेगा, डायमेंशन ऑफ t स्क्वायर. तो t square यानी time, तो क्या इनका dimension, only t square. तो a का dimension हमको मिल गया, that is equals to m0 l0 t2. This is the dimension of a. okay, so इसको हम कैसे लिख सकते हैं, pressure p का dimension अगर आपको पता हो तो आप
आप फॉर्मूला से निकाल सकते हो। अगर आपको नहीं पता है तो इसका डायमेंशन होता है एम वन एल माइनस वन एंड टी माइनस टू, एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू, दिस इज द डायमेंशन ऑफ पी। अगर आपको प्रेशर का डायमेंशन नहीं पता है तो आप लोग फॉर्मूला से निकालो, अगर जिनको पता हो उन्होंने ऐसे ही लेना है। ओके, सो आप ये कर सकते हो ए बाय बी एक्स का डायमेंशन या फिर ए माइनस टी स्क्वायर का डायमेंशन भी आप लिख सकते हो। तो इसका डायमेंशन क्या आ रहा, ए का और टी का आप लोगों को पता चल गया, दैट इज इसका डायमेंशन क्या है, टी स्क्वायर अपॉन बी एक्स। तो एक्स को इधर शिफ्ट कर देते हैं, हमको क्या चाहिए अभी, बी का डायमेंशन चाहिए। तो बी इज इक्वल टू टी स्क्वायर, एक्स का डायमेंशन क्या है एल, और ये वाला टर्म इधर शिफ्ट कर देते हैं एम वन एल माइनस वन टी माइनस टू। ओके, सो ये सारे टर्म्स को ऊपर ले चलते हैं, एम माइनस वन एल प्लस वन माइनस वन क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, एम को ऊपर लेकर गए माइनस वन आएगा, और यहाँ पर एल का टर्म नहीं है दैट इज जीरो, और टी क्या आएगा, ये ऊपर गया तो टी का पावर क्या आएगा, फोर आएगा। सो व्हाट वी हैव टू फाइंड, वी हैव टू फाइंड ए अपॉन बी, यानी डायमेंशन ऑफ ए अपॉन डायमेंशन ऑफ बी। तो ए का डायमेंशन क्या आया था आपका टी स्क्वायर, और बी का डायमेंशन क्या आया एम माइनस वन एल जीरो टी का पावर फोर। तो व्हाट विल बी द डायमेंशन, एम वन एल जीरो और टी का ये ऊपर गया फोर तो माइनस फोर हो जाएगा, तो टी का पावर आता है माइनस टू। सो दिस विल बी द डायमेंशन ऑफ ए बाय बी। ओके, ऐसे ये टर्म से हम फाइंड आउट कर सकते हैं ए बाय बी का डायमेंशन। समझ रहा है, हम और एक एग्जांपल लेते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ अल्फा इन इक्वेशन p इज इक्वल्स टू पी जीरो e raised to power minus alpha t square। ओके, अब ये वाले इक्वेशन में आपको p क्या है ये भी आपको गिवन नहीं है, p जीरो क्या है ये भी गिवन नहीं है, ओनली t इज द टाइम एंड अल्फा इज द कॉन्स्टेंट, ये वाला टर्म गिवन है। निकालिए डायमेंशन। अब यहाँ पर बच्चों देखो, p भी नहीं दिया हुआ है, p जीरो भी नहीं गिवन है, और e raised to power this term, और इसका डायमेंशन में से अल्फा निकालना है आपको। तो ये ऐसे अगर प्रॉब्लम अगर रहता है तो एक रूल आपको पता होना जरूरी है कि कौन सा भी एक्सपोनेंशियल हो, एक्सपोनेंशियल का कौन सा भी पावर हो तो ये पावर कांस्टेंट रहता है हमेशा। आप यहाँ पर ऐसे लिखते हो कि 2 सेकंड कि ओनली 2x रहेगा, कि e रेस टू पावर 5 रहेगा, e रेस टू पावर ऐसे रहता है क्या 4kg ऐसे रह सकता है क्या कभी, नहीं। यानी इसकी पावर की जो टर्म रहती है वो हमेशा कांस्टेंट टर्म रहती है, और कांस्टेंट टर्म का जो डायमेंशन रहेगा वो हमेशा कैसे रहता है, दैट इज अ कांस्टेंट। कांस्टेंट है यानी क्या, उसका कुछ भी डायमेंशन नहीं है, कांस्टेंट यानी कुछ भी डायमेंशन नहीं है। दैट मीन्स अब आपको ये वाले क्वांटिटी में क्या आएगा, पी माइनस पी जीरो ई रेस टू पावर अल्फा टी स्क्वायर इज इक्वल्स टू जीरो, इसका डायमेंशन ये वाली टोटल टर्म का डायमेंशन दैट इज इक्वल टू जीरो। लेकिन हमने अभी क्या बताया आपको कि ये वाले टर्म का कोई डायमेंशन नहीं होता, यानी e रेस टू पावर माइनस अल्फा टी स्क्वायर दिस टर्म इज डायमेंशन लेस, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। दैट मीन्स अल्फा टी स्क्वायर ये वाली टर्म जो है ये पूरी की पूरी डायमेंशन लेस है, डायमेंशन लेस है यानी क्या, एम जीरो एल जीरो टी जीरो। तो आपको क्या चाहिए, अल्फा का डायमेंशन चाहिए, टी को इधर शिफ्ट कर दो, एम जीरो एल जीरो टी जीरो अपॉन टी स्क्वायर, टी स्क्वायर ऊपर आ गया तो क्या आएगा, टी का पावर माइनस टू, यानी अल्फा का डायमेंशन क्या हो गया, एम जीरो एल जीरो टी का पावर माइनस टू। सो दिस इज व्हाट इन टर्म्स ऑफ एक्सपोनेंशियल केस, एक्सपोनेंशियल रहा तो भी डायमेंशन लेस आता है, एंगल अगर रहता है तो भी डायमेंशन लेस आता है। So this is what the principle of homogeneity of dimension, और हमारे next lecture में हम इसके applications देखने वाले हैं। Applications में हम देखेंगे कि equation को check कैसे करना है, और equation का check करने के बाद में उसकी values कैसे निकालते हैं। There are two applications of principle of homogeneity of dimension.